कृष्ण। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत विद्या है। व्यासदेव जी ने अनेक शास्त्र लिखित किए हैं, किस लिए? हम लोगों के लिए। भगवान कृष्ण अनेक बार अवतरित होते हैं इस धरोधारा पे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म संस्थापन करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए, कि संसार में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए और भगवत धाम में कैसे जाया जाए। भगवान कृष्ण ये हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उस जीवन को स्वीकारें जो सदैव आनंदमय है, ना कि हम प्रकृति स्थानी कर्षति, कि हम इस संसार में संघर्ष करते रहें, रोटी कपड़ा मकान इसके लिए सिर्फ संघर्ष करते रहें, इसके लिए नहीं दिया गया है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में सर्वप्रथम कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव मेरे भक्ति में है, सदैव मुझे स्मरण करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवश्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वम् न संशयः। जो व्यक्ति सदैव स्मरण करता है वो भगवत धाम जा सकता है। पर ये सभी को संभव नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं तो संसारी हूँ, ये कैसे संभव है मैं सदैव भगवान का भजन करूँ। और अर्जुन भी एक योद्धा थे, वह तो जपमाला लेके भगवान का जप नहीं कर रहे थे बल्कि युद्ध लड़ रहे थे। तो इसलिए भगवान हर एक वो अवसर प्रदान करते हैं जिससे जीव भगवत धाम प्रवेश करे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजयम। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, अगर तुम पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकते, मन से मेरा स्मरण नहीं कर सकते सदैव, तो न शक्नोसि मयि स्थिरम, अगर तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, अभ्यास योगेन ततो, तुम भक्ति योग के विधानों का पालन करो। भक्ति योग की क्या विधि है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, अर्चन करना, पूजन करना, वंदन करना, प्रार्थनाएं करना, भगवान की सेवा करना दास्य भाव में, और भगवान से मित्रता करना, ये भक्ति योग की विधियां हैं। तो इसको पालन करने के लिए भगवान कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ये विधियों का पालन करने में सही ढंग से मार्गदर्शन किया जाता है। पर फिर भी कोई कह सकता है कि मैं इसमें भी निपुण नहीं हूँ, इन विधियों को मैं कैसे पालन कर सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूँ? अभ्यास अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भवा, मदर्थम त्यक्त कर्माणि कुरुवम सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप समर्थ नहीं हैं, भक्ति योग का पालन, विधि का पालन करना समर्थ नहीं है, मत कर्म परम भव, आप मेरे लिए कर्म करिए। कोई मंदिर बनाने के लिए मदद करता है, कोई ग्रंथ वितरण करने के लिए मदद करता है, कोई प्रसाद सेवा करने के लिए मदद करता है, तो मत कर्म परम भव, मेरे लिए कर्म करो, भगवान कहते हैं। फिर भी ये संभव नहीं है तो क्या करना है? तो भगवान कहते हैं, अथ एतदप्य अशक्तो असि मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम यतः कुरु यतात्मवान। अगर फिर भी संभव नहीं है, जो कर्म आप कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, मत कर्म परमो भवा, वो नहीं हो सकता है, तो सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका जो फल है वो मुझे अर्पित करो, भगवान कहते हैं। सर्वप्रथम अगर आप भगवान को सदैव स्मरण नहीं कर सकते, तो भक्ति योग का विधान जो विधि है उसका पालन करो। अगर भक्तियों की विधि पालन नहीं हो सकती, तो भगवान के लिए कर्म करिए। अगर भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकते, तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो भगवान को अर्पित कीजिए। अगर यह भी संभव नहीं है, तो भगवान कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञानिनो अभ्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागात त्यागात् शांतिम अनंतरम। अगर फिर भी संभव नहीं है, श्रेयो ही ज्ञानिनो अभ्यासाद, हमको ज्ञान भगवान के बारे में वैदिक शास्त्र से ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, हमको एक प्रामाणिक गुरु के पास जाके
ज्ञान अर्जित करना चाहिए भगवान के बारे में। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, पर हमको यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। भगवान का स्मरण करना, भगवान का पूजन करना, ध्यान करना, ये ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, पर कोई करे कहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ यही पर्याप्त है, नहीं। कर्म फल त्यागात्, कर्म फल का त्याग करना बहुत आवश्यक है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाना आवश्यक है, अगर किसी को भक्ति में सिद्धि प्राप्त करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, त्यागात् शांति मनंतरम, क्योंकि त्याग में ही शांति प्राप्त होती है। तो भगवान अनेक अवसर प्रदान करते हैं, तो सर्वप्रथम सबसे उत्तम अवसर ये है कि भगवान का सदैव स्मरण करते रहें, उनकी सदैव सेवा में लगे रहें, भक्तिमय सेवा में लगे रहें। अगर वह संभव नहीं है तो कम से कम भक्ति के जो विधि विधान जो है उसको पालन करें, जो प्रामाणिक संस्था, जो संप्रदाय द्वारा जो दी गई हैं। अगर वह भी संभव नहीं है तो भगवान के लिए कर्म करें। अगर वह भी संभव नहीं है, कर्म फल का त्याग करें। अगर वह भी संभव नहीं है तो भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करें, और जिस ज्ञान से आप भगवान का स्मरण कर सके और फिर जो भी कर्म आप करते हैं उसका फल भगवान को अर्पित कर सके, उससे आपको भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।